नमस्कार, वीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम न्यूज में मैं ऐश्वर्या शिंदे आप सभी का स्वागत करती हूँ। वीकेबी न्यूज के सभी दर्शकों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। धनगर समुदाय के सशक्तिकरण के लिए 22 योजनाएं क्रियान्वयन के दिए गए आदेश। नागपुर में विश्व फोटोग्राफी दिवस के अवसर पर पुरस्कार समारोह, कैमरामैन विनय लोहित का किया गया सत्कार। और अनैतिक संबंध के चलते निर्माण ठेकेदार की हत्या, आरोपी मजदूर को पुलिस ने शिवनी से किया गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। फडणवीस सरकार द्वारा धनगर समाज के सशक्तिकरण के लिए लागू की गई विभिन्न 22 योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए संबंधित विभाग के जिला कलेक्टर और आयुक्त उपायुक्त को आदेश दिया गया है। महायुति सरकार ने 30 जून 2019 को एक कैबिनेट बैठक में आदिवासी समुदाय के लिए धनगर समुदाय के लिए योजनाओं को लागू करने का निर्णय लिया था। उसके बाद राज्य में सत्ता परिवर्तन हुआ और महाविकास सरकार आई, इसलिए उन योजनाओं को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। अब ओबीसी विभाग ने उन योजनाओं को फिर से लागू करने का आदेश जारी किया है। इस संबंध में विधायक गोपीचंद पडलकर ने ट्वीट किया है, आदिवासी से धनगर समाज की नीति के तहत तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा धनगर समाज के लिए लागू की गई 22 योजनाओं को लागू करने का आदेश दिया गया है। पडलकर ने कहा कि पिछली सरकार ने इसे लागू नहीं किया था। ताड़ोबा अंधारी टाइगर रिजर्व से सटे चिमूर वन क्षेत्र में लगाए गए कैमरा ट्रैप में एक बाघ घायल नजर आया। पिछले 3-4 दिनों से ये घायल बाघ जंगल में घूम रहा है और ट्रैप कैमरे में पाया गया है कि इसके आंख और कान के पास चोट के निशान है। बताया जा रहा है कि घायल बाघ चिमूर के पास खटसंगी और जरी इलाके में घूम रहा है। नागपुर के पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार के नेतृत्व में पुलिस की टीम ने ताजबाग इलाके की सुरक्षा का जायजा लिया, साथ ही इस वक्त शांति समिति की बैठक भी ली गई। इस इलाके के क्राउड मैनेजमेंट और साथ ही चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस सक्षम है। कोई भी अप्रिय घटना को रोकने हेतु पुलिस द्वारा प्रबंधन किया गया है, ऐसी जानकारी पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने दी। तो उसके बारे में व्यवस्था की आढ़ावा ली गई, सभी पुलिस विभाग और सभी प्रशासकीय विभाग की पूरी तरीके से तैयारी है। कोई भी अप्रिय घटना नहीं घटे उसके बारे में आवश्यक इंतजाम, उसके बारे में आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि इस प्रकार के जो विशेष करके कोविड के बाद, ये 2 साल नहीं होने के बाद ये उर्स है और ये सवा साल है, इसको ध्यान में रखते हुए डेफिनेटली गर्दी ज़्यादा होगी। हम पूरी तरीके से क्राउड मैनेजमेंट के लिए तैयार हैं। जहाँ तक अलग अलग चोरियाँ की घटना, चेन स्नैचिंग या जेब कतरे, मोबाइल चोरी, इस प्रकार की जो घटना होती है वो भी इस बार नहीं हो, इसके लिए भी पुख्ता इंतजाम पुलिस द्वारा। तमाम आपराधिक घटनाओं पर जो है पुलिस विभाग ने लगाम लगाई है, बावजूद इसके कुछ राजनीतिक लोग जो है यहाँ आंदोलन खड़ा करके छिटाकशी करते हैं पुलिस विभाग। मेरी पुलिस विभाग की हमेशा यही भूमिका रहती है कि हम शेवट के क्षण तक लोगों से हाथ जोड़ के आग्रह करें, विनंती करें कि वो कायदे के मार्ग पे चलें। जहाँ तक आंदोलन का बात है, जहाँ तक घटना के तरतूद के अंतर्गत जो आंदोलन होता है उसका, उनको लोगों को उसकी परवानगी है, उसके बारे में पुलिस कुछ नहीं कर सकती। लेकिन जब आंदोलन में कोई इस प्रकार की घटना जो बिना परवानगी करें या फिर इस प्रकार की आपत्तिजनक भाषा करें जिससे किसी की भावना को ठेस पहुंचे, कोई भी कायदे के विरुद्ध कोई कार्रवाई, कोई अगर कृत्य करता है तो उसके ऊपर डेफिनेटली कार्रवाई की जाएगी। पुलिस इस प्रकार के लोग जो गुनेगारी हालचाली के, कुछ लोगों के ऊपर एमसीओसी के अंतर्गत भी कार्रवाई की गई है, कुछ लोग उनको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पे इस गैंग को मदद करने की बात सामने आ रही है, उन लोगों को मैं चेतावनी देना चाहूंगा कि ये ध्यान रखें कि एमसीओसी के आरोपी या गैंग को मदद करना खुद एक गुनाह हो सकता है, इसको भी लोग ध्यान में रखें। पुलिस विभाग हमेशा एक टैक्टफुलनेस की भूमिका अपनाती है, कभी भी टकराव की स्थिति नहीं चाहती है। लोगों से हमें विनंती रहेगी, लोगों से आग्रह रहेगा कि कायदे के मार्ग पे चलें और पुलिस से टकराव की भूमिका पे ना आए। अंदाजन पूरे 10 दिन, 21 तारीख से जो 30 तारीख के दरमियान का ये बंदोबस्त है, यहाँ पे करीब करीब 1.5 से 2 हज़ार लोग बंदोबस्त पे रहेंगे। लेकिन 25 तारीख को 1 हज़ार आंखी बंदोबस्त, जो 25 को मेन दिन है और संदल का दिन है, उस दिन 1,000 और अधिकारी कर्मचारी लगाए जाएंगे। विश्व फोटोग्राफी दिवस के अवसर पर कैमरामैन विनय लोहित इनका सत्कार किया गया। नागपुर प्रेस फोटोग्राफर्स एसोसिएशन, सूचना महानिदेशालय, नागपुर अमरावती
बागमती डिवीजन केंद्रीय संचार ब्यूरो नागपुर भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय की ओर से स्वर्गीय उदयराव वैतागे स्मृति पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में पूर्व कलेक्टर आर विमला, पुलिस आयुक्त मितेश कुमार, हेमराज बागुल मुख्य रूप से उपस्थित थे। काका काकुल ने अनुभव काकुल ने काकुल ने बराबर हाँ हाँ खबरों के सिलसिले में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। Love you, Deepika. Bye. सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 degree 3 job opportunities। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटका बैंक, नागपुर। बॉस ने मीटिंग बुलाई। बाहर बाहर उठो बैठो। तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com। स्वागत है। अहेरी में एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक मां को उसी की बेटी ने अपने प्रेमी की मदद से मौत के घाट उतार दिया। मृतक महिला का नाम निर्मला अतराम है। इस मामले में दोनों आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। निर्मला की बेटी उर्मिला का रुपेश येगंधलवार के साथ अफेयर था। हालांकि जब वे मां को प्रताड़ित कर रहे थे तो पुलिस ने निर्मला की एक साथ हत्या करने के शक में दोनों को हिरासत में ले लिया। उर्मिला के पिता चंद्रकांत अतराम पुलिस विभाग में कार्यरत थे। 20 साल पहले नक्सलियों ने उसे मार गिराया था, तभी से उर्मिला का लालन पालन उनकी मां ने किया। उर्मिला को अपने पिता के यहाँ अनुकंपा में नौकरी पाने का भी अवसर मिला, लेकिन अपनी मां की हत्या के कारण उर्मिला को गिरफ्तार कर लिया गया। अहेरी के पुलिस निरीक्षक गवाह ने घटना की जांच कर रहे हैं। नागपुर के एक युवक ने फेसबुक के जरिए घुग्गुस की एक युवती से दोस्ती की, इसके बाद दोनों के बीच प्रेम संबंध विकसित हो गया। शादी का झांसा देकर युवक ने शारीरिक संबंध बनाए, फिर उसने लड़के की आपत्तिजनक तस्वीरें ली और उसे बदनाम करने की धमकी दी। इसी बीच उसने सोशल मीडिया पर लड़की की कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें भी शेयर की। युवती ने आखिरकार थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। इस मामले में पुलिस ने आरोपी युवक को हथकड़ी लगा दी है। नागपुर के एक युवक ने शादी का झांसा देकर घुग्गुस की एक युवती की कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। आरोपी की पहचान नागपुर जिले के शुभम गणेश उइके के रूप में हुई है। शुभम की 2018 में चंद्रपुर जिले की 23 वर्षीय लड़की से फेसबुक के जरिए दोस्ती हो गई।
युवक ने उसे प्यार के जाल में फंसाया, झूठी कस्में और शादी का लालच दिखाया। वो युवती से मिलने घुग्घुस आने लगा। इसी दौरान शुभम ने युवती के साथ शारीरिक संबंध बनाए और आपत्तिजनक फोटो खींची। इसके बाद उसने इन तस्वीरों को सोशल मीडिया पर सार्वजनिक करने की धमकी दी और युवती के साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए। हालांकि यही नहीं, रुकते हुए सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरों को यूनिवर्सल भी बना दिया गया। युवती ने घुग्घुस थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने प्रताड़ना का मामला दर्ज कर आरोपी शुभम उइके को गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस निरीक्षक बबन पुसाते के मार्गदर्शन में आगे की जांच जारी है। अनैतिक संबंध और काम के पैसे के चलते एक मजदूर ने निर्माण ठेकेदार के सिर पर हथौड़े से प्रहार कर उसकी हत्या कर दी। ये घटना गुरुवार सुबह सामने आई। इस मामले में आरोपी मजदूर को पुलिस ने शिवनी से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का नाम विनोद मडावी है। इस हत्याकांड ने अनैतिकता की सीमा को लेकर हड़कंप मचा दिया है। पुलिस के अनुसार शंकरपुर में मेट्रो सिटी 03 पर एक बहुमंजिला इमारत निर्माणाधीन है। उस निर्माण का ठेका मध्य प्रदेश के बालाघाट मनोज सुक्षण पाटिल को दिया गया था। वह कई निर्माण मजदूरों को मध्य प्रदेश से नागपुर लेकर आया था। इसमें आरोपी विनोद मडावी भी शामिल था। विनोद 32 वर्षीय विवाहिता को कुछ दिन काम करने के बाद शिवनी से नागपुर ले आया। महिला विनोद मडावी के कमरे में रह रही थी क्योंकि उसका अफेयर चल रहा था। मनोज पाटिल की उस महिला से दोस्ती हो गई, इसलिए मनोज भी विनोद के घर रुका था। इससे विनोद नाराज हो गया। बुधवार की रात दोनों शराब पीकर घर आए। विनोद ने ठेकेदार मनोज से 5,000 रुपए मजदूरी की मांग की। हालांकि मनोज ने उसे 1,000 रुपए देने की और बाकी का भुगतान करने से इनकार कर दिया। इससे नाराज होकर विनोद ने मनोज के सिर पर हथौड़े से वार कर दिया। इसके बाद वह महिला को बाइक पर बिठाकर वहां से फरार हो गया। गुरुवार की सुबह जब कुछ मजदूर विनोद को फोन करने गए तो उन्होंने मनोज की लाश देखी। उन्होंने बेलतरुड़ी पुलिस को सूचना दी। इस मामले में मुख्य ठेकेदार आशा मांडवकर की शिकायत पर बेलतरुड़ी पुलिस ने मामला दर्ज कर विनोद को शिवनी से गिरफ्तार कर लिया है। यवतमाल स्थानीय अपराध शाखा की एक टीम ने किराना व्यापारी को लूटने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और बाकी बचे फरार आरोपियों की जाँच की जा रही है। किराना व्यापारी की वसूली कर गांव लौट रहे व्यवसायी को लुटेरों के एक गिरोह ने रस्ते में रोककर पीटा और लूट लिया। 24 घंटे के भीतर यवतमाल स्थानीय अपराध शाखा की एक टीम ने जांच शुरू की। व्यवसायी अनिल शर्मा महागांव के रहने वाले हैं। नांदेड़ जिले से पैसे लेने के लिए आते समय 3 दुपहिया वाहन पर सवार 7 लोगों ने उनके साथ मारपीट की और लाखों की नकदी लूट ली। महागांव पुलिस और स्थानीय अपराध शाखा की टीम ने जांच कर 3 चोरों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से 3,42,000 रुपए नकद बरामद किया है। अन्य फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। सारखणी माहूर जिला नांदेड येथून किराणा मालाच्या उधारीचे पैसे रुपये 10 लाख वसुली करून मोटरसायकलने महागाव येथे परत येत असताना तोंडावर काळा कापड बांधलेल्या 3 मोटरसायकलीवरील 7 इसमांनी नागपूर तुळजापूर महामार्गावरील खडका फाटा पुलावर मागून येऊन त्यांना अडवून तोंडावर मिरचीची पूड फेकून डाव्या व उजव्या हातात चाकूने वार करून खाली पाडले व त्यांचे जवळील रोख 10 लाख रुपयांची पिशवी जबरीने हिसकावून माहूर गावाच्या दिशेने पळून गेले। अशा फिर्यादीवरून पोस्टे महागाव येथे अपराध क्रमांक 535/222 भादवी कलम 395-397 याप्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला। सदर घटनेची गांभीर्याने दखल घेत माननीय पोलीस अधीक्षक डॉक्टर दिलीप पाटील भुजबळ यवतमाळ यांनी सदर प्रकरणाच्या तपासासाठी उपविभागीय पोलीस अधीक्षक उमरखेड व पोलीस अधीक्षक सांगुशा यवतमाळ यांना आदेश दिले होते। त्याप्रमाणे स्थानिक गुन्हे शाखा यवतमाळ येथील पथकाने पोस्टे महागावचे पोलीस निरीक्षक विलास चव्हाण एपीआय खंदारे यांनी घटनास्थळ दाखवून परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेजची तपासणी सुरू केली। सायबरसेल यवतमाळ येथील अधिकारी व कर्मचारी यांच्या तांत्रिक मदतीच्या सहाय्याने गुन्ह्याच्या तपासास सुरुवात करण्यात आली। माननीय पोलीस अधीक्षक यवतमाळ यांना मिळालेल्या गोपनीय माहितीच्या आधारे काही संशयितांची नावे समोर आली। त्या दृष्टीने तपास करण्याचे निर्देश व तपास माहूरच्या दिशेने केंद्रित करण्याच्या सूचना तपास पथकास देण्यात आल्या। त्याप्रमाणे माहूर येथून एका आरोपीस ताब्यात घेण्यात आले। त्याच्याकडून मिळालेल्या माहितीवरून दुसऱ्या आरोपीची माहिती मिळाली। सदर दोन्ही आरोपींची सखोल विचारपूस केली असता त्यांनी गुन्ह्याची कबुली दिली। त्यांनी दिलेल्या माहितीप्रमाणे उर्वरित आरोपींच्या शोधासाठी विविध ठिकाणी शोध पथकांनी विशेष मोहीम राबवली। त्यामध्ये गुन्ह्यात सहभागी असलेल्या 3 आरोपीला ताब्यात घेण्यात आले। आता पावे तो करण्यात आलेल्या गुन्हे तपासामध्ये
एकूण 3 आरोपींना अटक करण्यात आली आहे व अटक केलेल्या आरोपींकडून गुन्ह्यात वापरलेली वाहने 2 मोटरसायकली 3 मोबाईल व लुटलेल्या रकमेपैकी रोख रक्कम 3,42,000 असा मुद्देमाल हस्तगत करण्यात आला आहे. सदर गुन्ह्यातील इतर फरार आरोपींचा शोध घेण्यासाठी विशेष पथकाचे प्रयत्न चालू आहे. सदरची कार्यवाही पोलीस अधीक्षक यवतमाळ डॉक्टर दिलीप पाटील भुजबळ, अपर पोलीस अधीक्षक डॉक्टर खंडेराव धरणे, उपविभागीय पोलीस अधिकारी उमरखेड श्री प्रदीप पाटील यांचे मार्गदर्शनामध्ये पोलीस अधीक्षक स्थानिक गुन्हे शाखा. तो वीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम न्यूज में आज बस इतना ही. कल मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ. तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज. नमस्कार.